नमस्कार, इलायची किचन में आपका स्वागत है। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। आज हम रबड़ी, ड्राई फ्रूट्स और ब्रेड को लेकर एक यूनिक स्वीट डिश बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब ब्रेड के स्लाइस को हम ट्रिम करते हैं, इनको कट कर देंगे। ये थोड़े कड़क रहते हैं तो ये पार्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसको हम दूसरे यूज में ले सकते हैं। इसका आप ब्रेड क्रम्स वगैरह भी बना सकते हैं। सभी स्लाइसों को ऐसे हम कट कर देते हैं। ये मैंने ये आधा कप दूध लिया है, आप कोई भी कटोरी से दूध ले सकते हैं जितना ब्रेड सोक कर ले। अब हम ब्रेड की किनारियों से दूध थोड़ा थोड़ा डालेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है। मैंने इसे थोड़ा सा मलाई भी डाली है लास्ट में। इसका हम एक डो जैसा बना लेंगे, थोड़ी सी ब्रेड गल जाएगी। तो मैंने ये आटा ब्रेड ली है, टोटली आटा ब्रेड है ये, तो हेल्दी भी है। दूध आपको जो लेना है रूम टेम्परेचर वाला ही दूध लेना है, गर्म दूध नहीं लेना है। थोड़ी सी मलाई आ रही है तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब ब्रेड सोख हो जाएगी पूरी तरह से इसकी किनारियां, फिर मैं बताती हूँ कि आपको कैसे इसको हम इसको शेप देंगे एक बहुत अच्छा सा। पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं करिए। बहुत ही यूनिक डिश है और फटाफट बनने वाली है और बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार होती है ये डिश। एक एक ब्रेड को ही करें आप ऐसे। चलिए हमने दूध डाल दिया है, ब्रेड सोक हो गई है। अब इसका हम एक अच्छा सा डो बना लेते हैं चारों ब्रेड को मिला के, तो बहुत ही सॉफ्ट डो बन जाएगा और हमको इसको यूज करने में भी बहुत आसानी रहेगी हैंडल करने में। मैंने इसलिए इसको अलग अलग सोक करा था कि ताकि इसकी किनारियां जो कड़क रहती है वो भी अच्छी तरह से सोक हो जाए। अब इसको अच्छी तरह से हम डो के फॉर्म में बना लेते हैं ताकि इसको हमको शेप देने में भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल स्किप करके ना देखिए, एंड तक पूरा वीडियो देखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हमने पूरा अच्छी तरह से इसको डो फॉर्म में इसको बना रहे हैं। पूरा अच्छी तरह से डो बना लीजिए इसका। दूध बिल्कुल ज़्यादा मत डालिए, फिर हमको सेकने में थोड़ा सा ज़्यादा सेकना पड़ेगा उसको। पूरा इसका डो बनकर तैयार है, इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लें ताकि ये चिपके नहीं। आप जिस भी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस क्वांटिटी में, उस शेप में बना सकते हैं। मैं ट्रायंगल शेप में ही बना रही हूँ। इसको अच्छी तरह से अब इसमें हम, ये मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिया है, काजू, बादाम, किशमिश, आप जो भी चाहे अपने पसंद से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब इसको मैं शेप दूंगी, बिल्कुल धीरे से इसको हैंडल करना है, धीरे धीरे बिल्कुल इसको शेप देते जाएं और दबाते हुए इसको ड्राई फ्रूट्स को भी अंदर करते जाएं। ड्राई फ्रूट्स भले आप थोड़ा सा कम भी डालेंगे तो चलेगा, मेरा अभी इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। ओवल शेप, गोल, जिस जो भी आप शेप पसंद करते हैं उसमें आप बना सकते हैं। देखिए ये शेप भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने ट्रायंगल शेप बनाया है। ओवल शेप भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है देखने में स्वीट डिश वगैरह में। देखिए ये एक बन गया है, एक और बना के बताती हूँ। हथेली पे ही ये अच्छी तरह से प्रेस हो जाता है। इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालते हैं।
ट्राइंगल शेप आसानी से हो जाता है, इसलिए मैंने ट्राइंगल शेप बनाया है। अच्छी तरह से सब दूर से दबा दें ताकि इसको हम जब शेलो फ्राई करेंगे तो ड्राई फ्रूट्स बाहर भी नहीं निकले और ये टूटेगा भी नहीं। ऐसे ही हम सब बना लेते हैं। देखिए चार ब्रेड से ये छह पीस बने हैं, छह पीस बनकर तैयार हुए हैं। अब इसको हम शेलो फ्राई करते हैं। मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई को गैस पर रख दिया है, उसमें हम इसको सेकते हैं। हल्का सा इस पर ब्राउन शेड आया है, अब इसको हमको और सेकना है, एकदम डार्क ब्राउन सेक लें। आपको जैसा भी कुरकुरा पसंद हो उस हिसाब से अलग पलट करके किया है। हल्का सा ब्राउन शेड आ गया है इस पर ब्राउन कलर। अब इसको हम मध्य आंच पर ही अच्छा डार्क ब्राउन होने तक सेकेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे कलर आया है इनका, एकदम हमने कुरकुरे गोल्डन ब्राउन अच्छी तरह से सेक लिया है। अब इनके साइड्स भी हम ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे से सेक सकते हैं। आप चाहो तो सेको, नहीं तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे साइड में करके थोड़ा थोड़ा सा टिका के इसको हम सेक लेते हैं। देखिए अच्छे बिल्कुल एकदम ब्राउन हो गए हैं कुरकुरे। अब हम इनको निकाल लेते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ही निकाल लें क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है ये। देखिए कितने बढ़िया बने हैं, एकदम क्रिस्पी कुरकुरे एकदम। अब इसको हम थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं, फिर रबड़ी के साथ में इसको असेंबल करती हूँ। चलिए अब हम प्लेटिंग करते हैं। मैंने रबड़ी थोड़ी सी पतली बनाई है ताकि ये बाइट में सोख हो जाए। तो सबसे पहले हम रबड़ी डालेंगे पूरी प्लेट में। मैंने पहले से ही केसर या रबड़ी बना के रखी है ड्राई फ्रूट डाल के। अब इसमें हम इनको बाइट्स को अरेंज करते हैं। ये सब बाइट्स को अरेंज कर दिया है। इस पे हम थोड़ी थोड़ी रबड़ी डालते हैं। मैंने रबड़ी इसलिए पतली बनाई है कि इसके अंदर थोड़ा सा सोख हो जाएगी, ज़्यादा गाढ़ी रबड़ी इसमें सोख नहीं होती है। इसमें अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप भी बनाएंगे और बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। अपने अनुभव मेरे साथ में शेयर करिए। थैंक यू।